Hey guys, welcome back to another Sunday blog of Indian YouTuber Salma's channel and happy Navratri सबको guys, आपको आपके family members को सबको भगवान माता जी सबको अच्छी रखे। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा माता जी के दर्शन करने। तो कौन सी वाली माता का दर्शन करने या कहाँ जा रही हूँ मैं, वो आप लोगों को जानना है तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ देने वाली हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखते रहिए एंड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, साथ ही साथ माता के दर्शन भी मिलेंगे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा अच्छी तरीके से। एंड ये जो एरिया है जहाँ से मैं क्रॉस कर रही हूँ, होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर आप लोग इंदौर के हो तो मैं क्रॉस कर रही हूँ राजवाड़ा। राजवाड़ा का ये मेन मार्केट है जहाँ पे बहुत ही हलचल मची हुई है, जैसे कि देख पा रहे हो, देख के बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कोरोना टाइम चल रहा है। इस पेंडेमिक में भी सब अपनी अपनी खरीदारी कामों पर लगे पड़े हैं, क्योंकि यार इसी के साथ हमें चलना है इन फ्यूचर भी, अभी भी। एंड ये राजवाड़ा का जो पैलेस है वो एंड देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी खासी भीड़ लगी पड़ी है, तो सब जब कर रहे हैं प्रिकॉशन लेके ही हमें जैसे चलना है, तो हर एक चीज़ को एंजॉय करना भी बनता है। तो ये आप देख पा रहे हो कि हम लोग राजवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, पहले अच्छे अच्छे व्यूज़ आप लोग एंजॉय कर लो, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं एंड कौन सी माता के दर्शन करने हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो फोर व्हीलर्स है तो फोर व्हीलर्स में जा सकते थे, ये टू व्हीलर्स में क्यों जा रहे हैं गाइस, क्योंकि फोर व्हीलर्स को हम लोगों ने सर्विसिंग में दिया हुआ है, तो वो कल तक आने वाला है, तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड संडे को हस्बैंड की छुट्टी रहती है एंड डे ऑफ भी है, बट नेक्स्ट हफ्ते से संडे को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो सोचा इस मौके पर आज संडे के मौके पर चलते हैं, माता के दर्शन भी हो जाएंगे साथ ही साथ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। गाड़ी का वेट करेंगे तो कब जाना होगा पॉसिबल वो समझ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं एंड जो होगा देखा जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी धूप है, आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था, तो सोचा चलो घूम के भी आ जाते हैं। एंड ब्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक कमेंट करके बताओ, एंड आप लोगों को और कैसे ब्लॉग्स देखने हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। एंड गाइज ज़्यादा सस्पेंस करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग अगर इंदौर के हो तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, तो पता चलने से पहले मैं ही बता देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं देवास, देवास में माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। एंड वहाँ पहले भी मैं गई हुई हूँ फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ, पिछले साल नवरात्रि में फुल फैमिली के साथ जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड इस बार हम तीनों ही जा रहे थे एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ से देवास जाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है आराम से फैमिली के साथ जाने में, तो हमारा तो मतलब हालत ख़राब हो रही थी इतना देर तक गाड़ी में बैठने में, टू व्हीलर्स में ही इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फोर व्हीलर्स में होता तो शायद हम लोग आराम से जाते, बट ऐसा नहीं है, टू व्हीलर्स में ही जाना पड़ रहा, तो सोचा चलो फिर इसी में चलते हैं। एंड जैसे भी जाते हैं आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि माता के दर्शन आराम से करेंगे जितना अच्छे से तो उतना अच्छा होगा। तो मीनवाइल हम लोग बीच में रास्ते में रुक गए थे एंड बाबू के लिए चश्मा ले रहे थे, क्योंकि वो फ्रंट में बैठा हुआ था एंड फ्रंट में बैठा नहीं था, बीच में बैठा था, क्योंकि फ्रंट में आँखों में उसकी हवा लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कहाँ आँखों में कुछ गिर ना जाए, इसलिए हम लोगों ने बीच में बैठाया था उसको, आराम से वो बैठ के जा पाए। तो फाइनली चश्मा वश्मा खरीदने के बाद हम लोग फिर से अपना जो यात्रा है वो शुरू कर चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा और रास्ते का एंजॉय कर लो, व्यू देख लो कितना प्यारा सा, मौसम के साथ कितने अच्छे अच्छे नज़ारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है एंड कौन कौन सा नज़ारा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग अगर यहाँ के हो, आप लोगों को अगर ये एरिया का नाम पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मौसम आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, खुला खुला आसमान, वाइट बादल, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। आप लोगों को जो छोटा सा मंदिर है वो थोड़ी सी दूरी में दिख रही होगी, तो हाँ हम लोग पहुँच गए हैं देवास एंड माता जी के दर्शन करने। एंड होपफुली अच्छे से दर्शन हो जाए, ज़्यादा भीड़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड वैसे भी अभी नवरात्रि की सीज़न चल रही है, नवरात्रि आ चुकी है। नवरात्रि का दूसरा दिन है तो होप ज़्यादा भीड़ ना हो एंड अच्छे से दर्शन हो जाए, यही फिंगर क्रॉस करके हम लोग निकले थे। एंड हम लोग पूरे टोटल प्रिकॉशन लेके ही निकले थे, बाबू को मास्क निकालने मना किया था, हम लोग भी मास्क नहीं निकाल रहे थे जब तक प्रॉब्लम ना हो रही थी। एंड सैनिटाइज़र तो लिया हुआ ही था। तो हम लोग जा रहे थे रोप वे के थ्रू, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के साथ सीढ़ियों से नहीं जा सकते। एंड आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ रोप वे में अच्छे से प्रिकॉशन लिया जा रहा था एंड सैनिटाइज तो किया जा ही रहा था, साथ ही साथ आपको टेम्परेचर मेज़र भी किया जा रहा था वहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। एंड देख पा रहे हो एंड यहाँ पे दूसरों का हो रहा है। एंड यहाँ पे सामने में फ्रंट में जो लिफ्ट एरिया है वहाँ पे भी सैनिटाइज़र का जो फैसिलिटी थी वो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, बट आप लोगों को इनसाइड में जाके दिखाऊंगी कि रोप वे में जो केबिन बने हैं वहाँ पे वो लोग कितने अच्छे से सैनिटाइज़ कर रहे थे हर एक केबिन को। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छे प्रिकॉशंस लेके ही हैं, ग्लव्स पहन के हैं एंड सैनिटाइज़र सबको अप्लाई भी कर रहे हैं। एंड हाथों हाथ हमें भी टेम्परेचर नापा गया था एंड बाबू को भी नापा गया था, देन वी आर अलाउड टू गो इनसाइड। तो चलो हो चुका है हमारा टेम्परेचर चेक, अब हम लोग चलते हैं अंदर एंड अंदर में आप लोगों से मिलती हूँ। करो करो पड़े
ये उल्टा उल्टा हो गया। Queda el relevo. Ojo a mi chico. तो हम लोग रोप वे में से जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, एंड ऊपर से व्यू आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ, होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। एंड ऊपर से टोटल देवास का लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा देवास है। एंड चारों ओर सिर्फ वाइट वाइट छोटे छोटे घर, ग्रीन ग्रीन पौधे, पेड़ पौधे यही सब दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ऊपर का नज़ारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे का जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सीढ़ियों का रास्ता, ये माता जी के मंदिर जाने का रास्ता है सीढ़ियों से। एंड हम लोग ऊपर के तरफ से जा रहे हैं ताकि हमें अच्छे से व्यू भी दिख जाए, देवास का टोटल व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, साथ ही साथ पूरा जो नज़ारा है वो आप लोगों को अपने थ्रू मैं दिखा पाऊँ। जो हमारे देवास नहीं आ पाते हैं तो वो ब्लॉग के थ्रू ही माता जी के आज दर्शन कर लो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फिर से, अब उतरेंगे तो चलो उतरते हैं एंड चलते हैं माताजी के दर्शन करने। एंड आप लोग भी एंजॉय कर रही हो कि नहीं, एंड माताजी को दर्शन अच्छे से करना गाइस, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी एकदम अच्छे से पास से माताजी के दर्शन कराने में। तो अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ज़रूर रखिएगा ऑल, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि हम लोग माता जी के पास आ चुके हैं, एंड अभी थोड़ा सा चलना पड़ेगा, चल चल के मैं आप लोगों के साथ बातें कर कर के ही ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, बट नज़ारा देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे दर्शन यात्री भी आए हैं, बट हाँ उतना भीड़ नहीं है, बट भीड़ तो है ही, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर ही रह रहे हैं उनसे, एंड टचिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो भी कुछ टच सैनिटाइज हो रहे हैं अपने हाथों से, एंड एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं नज़ारा दिखा देती हूँ, कितना प्यारा सा है, सब माता जी के दर्शन करने आए हैं नवरात्रि के मौके पे। आप लोग कहाँ गए हो दर्शन करने, या घर में ही माता जी बिठाए हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड चलो पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आप लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए, एंड माता जी के दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर से ही देवास का जो व्यू है वो दिखा देती हूँ गाइस, कितना प्यारा लुक दे रहा है। एंड अगर आप में से कोई भी यहाँ आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थोड़ा सा और हम लोग माता जी के दर्शन कर लेते हैं, और एक छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों को बड़ी वाली जो माता जी हैं यहाँ के बड़े वाले देवास माता जी उनकी दर्शन कराऊंगी।
कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों से निवेदन है मास्क लगा कर रखें, आपस में दूरी बनाकर चलें, सुरक्षा ही बचाव। गाइस एक चीज़ आप लोगों को मेंशन करना मुझे बहुत ही अर्जेंट लगा कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई है। मतलब हर एक गली गली में जहाँ पे भी माता जी के मंदिर हैं वहाँ पे पुलिस खड़े हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा देर किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे ताकि भीड़ कम रहे। एंड बहुत ही प्यारे प्यारे लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई एम सो सॉरी गाइस, जहाँ पे माता चामुंडेश्वरी माता का जो मूर्ति थी वहाँ पे कैमरा अलाउ बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। देन मेरा मूड ख़राब हो गया था तो मैंने ब्लॉगिंग और कंटिन्यू नहीं की। देन हम लोग वहाँ से निकल आए, एंड निकल आने के बाद क्योंकि हम लोग ने सुबह जस्ट पोहे खा के निकले थे तो इसलिए लग चुकी थी हमें भूख, एंड बच्चा भी हमारा साथ था तो हम लोग अवॉइड कर रहे थे बाहर का खाने का। बट क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना, एंड ना ही हम भूखे रह पाएंगे बहुत देर तक। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो रुक के थोड़ा सा खा लेते हैं नाश्ता टाइप का। एंड टोटल होटल में हम लोग नहीं गए थे, जहाँ पे सब नाश्ता वास्ता कर रहे थे वहाँ पे ही हम लोग गए थे ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, नहीं तो होटल वोटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड साथ ही साथ बहुत लोग आना जाना भी करते हैं, तो रिक्स हमें नहीं लेना था। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा स्ट्रीट साइड में ही रुक गए थे। एंड बालों की हालत देखिए, आप लोगों को पता चल रही होगी टू व्हीलर्स में बालों की हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गाय। तो चलिए बाबू कर रहा है अपना आइसक्रीम को एंजॉय, एंड हम करेंगे अपना थोड़ा सा स्मॉल स्नैक्स पार्टी जिसमें होगी जस्ट नूडल्स एंड समोसे कहूँगी, एंड यही है हमारा आज का स्नैक्स। देन हम लोग रिटर्न आने के लिए निकल पड़े, एंड शाम का नज़ारा आप देख सकते हो, सूरज ढल चुकी है बट थोड़ा सा उजाला है तब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो चलिए रिटर्न चलते हैं। रिटर्न आने का ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। देन घर में चलते हैं। घर पहुंच के जल्दी से फ्रेशन अप होके मैंने डिनर बना लिया क्योंकि सुबह से हमारे पेट में कोई निवाला नहीं गया था फालतू की चीज़ जाने के अलावा। तो जल्दी से मैंने बना लिए दाल चावल आलू भुजिया अचार एंड ऑमलेट मैंने बना लिया क्योंकि बाबू को भी खिलाना था, क्योंकि बाबू ने भी सुबह जस्ट मैगी खा के निकला था, वो हम लोग सुबह पोहे खा के निकले थे। तो सोचा जल्दी से जल्दी जाके घर में अपना घर का डिनर बना के एंजॉय करो, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम लोग जल्दी से रात को रिटर्न आ गए, बाहर कहीं और नहीं गए। एंड वैसे भी छप्पन जाने का भी प्लानिंग था, वहाँ जाके खाने का प्लानिंग था, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार कोरोना चल रहा तो क्या मतलब है वहाँ जाके खाने का, तो फिर कभी जाएंगे, अभी घर चलते हैं। एंड थक भी गए थे क्योंकि एक से डेढ़ घंटा जाने में एंड फिर रिटर्न आने में फिर दर्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइट फील हो जाता है। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ पोहे की रेसिपी शेयर नहीं की थी एंड मुझे फील हो रहा था कि पोहे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके से बना रही थी, एंड आज भी हमारा पोहे ही बन रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर ही लेती हूँ। एंड जैसे कि देख पा रही हो कि पोहे में जस्ट मैंने आलू टमाटर मूँगफली एंड सरसों के दाने एंड करी पत्ते से इसका जो तड़का है वो लगा दिया है, एंड देन उसके बाद मैं ये जब अच्छे से पक जाए देन उसके बाद मैंने कर दिया है गैस को बंद। देन उसके बाद जो है पोहे मैंने गला के रखे थे वो मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो कैमरा ऑफ करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड ये फाइनली कुछ इस तरीके का दिखने लग चुका है। एंड खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, स्वाद अनुसार नमक एंड रेड चिली पाउडर थोड़ा सा एंड थोड़ा सा चुटकी भर शुगर ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है गैस ऑफ करके। देन उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी एंड जब हमें खाना होगा तब हम लोग निकाल के खा लेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, एंड आज है दूसरा दिन ब्लॉग का, एंड आज है मंडे एंड आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, एंड मैं अलग से ये ब्लॉग शेयर करूंगी। बट कल का जो ब्लॉग था जिसमें मैंने आप लोगों को माता जी के दर्शन करा दिए हैं, बट जितना हो सके मुझसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट हाँ, जहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा ऑन करना तो वहाँ पे मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती थी, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा
बाकी बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, माता जी के दर्शन भी करा दिए। तो आप लोगों को सबको हैप्पी नवरात्रि गाइस। मैं अभी आप लोगों के सामने फ्रंट फेस लेके आप लोगों के साथ आके नवरात्रि विश कर रही हूँ। अच्छा खासा नवरात्रि बीत जाए अच्छे से, एंड अच्छे से सब उपास रखे और अच्छे से माता जी को याद करें, एंड माता जी सबको अच्छे से रखे यही चाहते हैं हम सब। एंड ये जो कोरोना काल चल रहा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए यही चाहते हैं ना, तो यही मैं भी चाहती हूँ। एंड यही सोच के मैं गई थी माता जी के दर्शन करने, एंड बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गई। एंड होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड अभी पोहे खा के मस्त हो चुकी हूँ, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में ही बता दिया था, कल भी हम लोगों ने पोहे खाए थे सुबह को, एंड आज भी, क्योंकि कल का टायर्डनेस अभी भी फ़िलहाल है मेरे फेस से, आप लोगों को देख के पता चल रही होगी। एंड अभी सुबह का 10 बज रहे हैं, पोहे हम लोगों ने खा लिया है, हस्बैंड गए हैं शावर लेने, एंड बाबू बाहर खेल रहा, तो मुझे लगा कि ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि आज ये ब्लॉग आप लोगों तक मुझे पहुँचाना था, एंड ब्लॉग को मैंने एंड नहीं किया हुआ था। तो गाइज, एंड बालों की हालत आप देख सकते हो, टू व्हीलर्स में जाना मतलब बालों का बैंड बजाना होता है। एंड हालांकि मैंने कल ही हेयर वॉश किया हुआ था, मुझे ना सच में मतलब टाई अप करके अच्छे से जाना चाहिए था, बट क्या करें बाल गीले थे तो इसलिए मैंने छोड़ रखा था, एंड जस्ट मैंने पोनी ही बनाई हुई थी, एंड बालों की ऐसी हालत हो चुकी है। देखते हैं आज फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ कि कल तक का वेट करती हूँ। एंड गाइस, आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि मैंने रात को डिनर में ऑमलेट खाई थी, तो हम बंगाली हैं ओके, आप लोगों को तो पता ही होगा, इसी से तो पता चल ही रहा होगा, तो बंगाली में चलता है, एंड चलता है इसलिए हम लोग खाते हैं। हमारा सोष्ठी से मतलब नवरात्रि के छठे दिन से उपास चलती है 8वें दिन तक। 8वें दिन को पुष्पांजलि देने के बाद, माता जी की पूजा करने के बाद फिर से हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं, तो हमारे में नियम बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इस बारे में लेके कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने ऑमलेट खाई थी रात को। तो माता जी के दर्शन करने जब हम लोग गए थे, जस्ट पोहे खा के गए थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना आप लोगों को। माता जी के दर्शन करने के बाद आके मैंने ऑमलेट खाई है, एंड आज जो मंडे है, मंडे को भी हमारा एक स्पेशल सा अमेजिंग सा ब्लॉग आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। एंड आप लोगों को शायद तक मैं बिरयानी की रेसिपी दिखा पाऊँ, किसी और के हाथों बनने का जो रेसिपी है वो शायद दिखा पाऊँ, होपफुली फिंगर क्रॉस करके रखती हूँ, मुझे पता नहीं देखा पाऊँगी कि नहीं, अगर हो सके तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजिंग ब्लॉग्स देखना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ज़रूर रखिएगा और, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ब्लॉग को यहीं तक रख रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं अलग से एक अमेजिंग सा ब्लॉग में, एंड शावर भी लेना है, पूजा भी करनी है, बहुत काम है, तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। हैप्पी नवरात्रि गाइस।